क्वेश्चन ये है कि तीनों केस में पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये चारों बेसिक रिजल्ट मालूम होने चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज और क्वार्टर सर्कुलर लाइन चार्ज दोनों के लिए जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। अगेन, इनफिनाइट लाइन चार्ज और सेमी सर्कुलर लाइन चार्ज दोनों के लिए जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। इस तरह से हम चारों को रिमेंबर कर सकते हैं। तो पहले केस वन में पॉइंट वो पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दो सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज हैं और एक सेमी सर्कुलर लाइन चार्ज है। दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है। तो ये जो सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा के लेमडा बाई आर और इस तरफ होगा के लेमडा बाई आर, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ पर लाइन चार्ज के नॉर्मल और लाइन चार्ज के पैरेलल दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो के लैम्डा बाई आर के इक्वल है एंड बोथ आर अवे फ्रॉम द सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है वो भी सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज से अवे है और अगेन ये जो डायरेक्शन है वो भी सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज से अवे है। तो इस सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगेन, ये जो सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट ओ पर हो जाएगा, एक हो जाएगा इस तरफ के लैम्डा बाई आर और दूसरा हो जाएगा नीचे की तरफ इस तरफ अगेन के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अगेन, ये जो सेमी सर्कुलर लाइन चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर उस तरफ मतलब इस तरफ हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल और साथ में ये दोनों भी कैंसिल। सो फॉर दिस वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इक्वल टू 0, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड केस के लिए पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अगेन ये जो है वो सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज है। अगेन यहाँ से ये पूरा सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। और ये जो है वो क्वार्टर सर्कुलर लाइन चार्ज है। तो अगेन सबकी वजह से पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगेन ये जो सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा के लैम्डा बाई आर और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा सेम दैट इज के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अगेन ये भी सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज है। तो इस सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दिस इज के लैम्डा बाई आर और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा अगेन के लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये जो है वो पॉइंट ओ है, ठीक है। लास्ट ये जो क्वार्टर सर्कल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अगेन हम देख सकते हैं कि दोनों रेडियस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो अगेन के लैम्डा बाई आर के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये कि एक कंपोनेंट इस तरफ होगा के लैम्डा बाई आर और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा अगेन के लैम्डा बाई आर। मतलब इस तरफ एक कंपोनेंट होगा विच इज के लैम्डा बाई आर और अगेन इस तरफ ही एक कंपोनेंट होगा विच इज के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो के लैम्डा बाई आर कैंसिल, इधर भी के लैम्डा बाई आर कैंसिल, ठीक है। मतलब ये दोनों जो सेमी इनफिनाइट लाइन चार्ज हैं उनकी वजह से पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और सिर्फ ये जो क्वार्टर सर्कुलर पार्ट है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा।
और हो जाएगा इन दोनों का रियल टेंस। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ओ इक्वल टू, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, सो दिस विल बी के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर जे कैप। ये आंसर हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस में पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, पहले पार्ट पर और तीसरे पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है विच इज़ प्लस लैम्डा, और जो बीच वाला पार्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है विच इज़ माइनस लैम्डा। ठीक है, अगेन यहाँ पर तीनों जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर वो थीटा के इक्वल है, एंड वी हैव 3 थीटा इक्वल टू 180, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा है वो कन्फर्म है कि 60 डिग्री के इक्वल होगा। अगेन यहाँ पर तीनों सेगमेंट सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और अगेन तीनों पर जो चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो कन्फर्म है कि तीनों की वजह से पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक सेगमेंट की वजह से उसका मैग्नीट्यूड ई है। ठीक है, तो कन्फर्म है कि ये जो पार्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस एंगल थीटा का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, मतलब है कि इस वजह से पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा बाई टू एंड ऑल्सो दिस एंगल इक्वल टू थीटा बाई टू। ठीक है, मतलब कन्फर्म है कि ये जो एंगल है वो थीटा बाई टू के इक्वल होगा। ठीक है, दिस टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये जो पार्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन थीटा का बाइसेक्टर होगा, ऐसे इस तरफ होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जिसको हमने ई माना है। अगेन ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा, और वो भी थीटा का बाइसेक्टर होगा, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड भी ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि पॉइंट ओ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो 120 डिग्री के इक्वल है। इसको हम चेक कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है वो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अगेन ये एंगल भी 30 डिग्री के इक्वल है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो क्लियर है कि इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है वो जाएगा 90 + 30, दैट इज 120। सिमिलरली इन दोनों के बीच जो एंगल है वो भी 90 + 30, दैट इज 120 के इक्वल है, तो कन्फर्म है कि तीनों के बीच जो एंगल है वो 120 के इक्वल है, इसलिए पॉइंट ओ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।